गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 नए साल का प्रवेश, और पिछले लेक्चर के अंदर हमने ख्याति के मूल्यांकन की पहली विधि को पूरा कर लिया था, वर्षों की क्रय विधि को। आज हम ख्याति के मूल्यांकन की अन्य विधियां पढ़ेंगे, तो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की जो दूसरी विधि है वो कौन सी थी? पूंजीकरण विधि। ये भी सेम पिछले की तरह ही है, उसमें भी दो लाभों का आधार माना था, औसत लाभ अधि लाभ। तो यहाँ पर भी वही दो है, औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा और अधि लाभों के पूंजीकरण द्वारा। बस इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, औसत लाभ का पूंजीकरण कहता है। तो देखिए ये जो मिले ना एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 / NRR, ये औसत लाभ का पूंजीकरण है। औसत लाभ का क्या है? पूंजीकरण। उस पूंजीकरण मूल्य में से घटाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित की गई पूंजी। ठीक है, तो ये आएगा वो हमारा हो जाएगा गुडविल का। ओके, और अधिलाभों के पूंजीकरण के अंदर अधिलाभों के पूंजीकरण मूल्य जो होगा, अधिलाभों का जो पूंजीकरण मूल्य होगा वही हमारा जो है ख्याति का मूल्य होगा। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा 100 / NRR, ये अधिलाभों का पूंजीकरण है। इसका मतलब होता है कि भाई नॉर्मली फर्म को ये एवरेज प्रॉफिट अगर इस रेट पे कमाना है तो कितनी पूंजी जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो जो वास्तव में होनी चाहिए और एक्चुअल में जो इन्वेस्ट कर रखी है, जो होनी चाहिए और जो वास्तव में हो रखी है, उन दोनों का अंतर ही हमारी ख्याति होती है। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन लोग कि भाई एग्जाम्पल लेकर के गुना 10%।
ठीक है बच्चों, तो 540,000 का जब 10% करेंगे तो वो कितना आएगा अपन का 54,000, तो ये हो जाएगा 7,00,000 माइनस 54,000 घटाएंगे तो बचेगा 6,000। ये 6,000 क्या निकला, सुपर प्रॉफिट। और अब इस सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करेंगे तो गुडविल बराबर आ जाएगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट 6,000 रुपये गुणा 100 और बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, वही जीरो से जीरो गया, 6,000 × 10 करेंगे तो ये कितना आएगा 60,000। ये हमारी क्या थी का मूल्यांकन हो गया, किस विधि से, पूंजीकरण विधि से। देखिए बच्चों के ख्याति का मूल्यांकन चाहे आप औसत लाभ से करें या अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा, दोनों से क्या आएगी, सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, वर्षों की क्रय तिथि में जरूर अलग अलग आती है ना, क्योंकि वहां पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर जो है चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो पूंजीकरण विधि का एक और एग्जाम्पल लेते चलिए, पूंजीकरण विधि का एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपन जो है वो एसेट और लाइबिलिटी देखते हैं कि फर्म की जैसे आपको एसेट्स दे दी है रुपीज 6,00,000, ये फर्म की एसेट्स, फर्म की लाइबिलिटी दे रखी है लाइबिलिटीज रुपीज 1,20,000, 1,20,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट रुपीज 90,000, कितना दे रखा है 90,000, ठीक है। या एवरेज प्रॉफिट दे देता हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट 90,000 और सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इक्वल्स टू रुपीज 6,000। अब यहां पे मान लेते हैं कि भाई दो पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, टोटल कितने हैं, ए और बी मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट में हम ले जाए, फिर अपन ले लेते हैं एनआरआर। अब एनआरआर अब हमें जो है औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा और अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, और ये कौन सा चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कौन सा चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है और सैलरी भी दे रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, घटा करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 90,000 रुपये माइनस 2×6,000, 2×6,000, क्योंकि 6,000 में एक दिन को दे रहे हैं सैलरी ऑफ ईच पार्टनर रुपीज 6,000 पर एनम, दो पार्टनर है लाइबिलिटीज। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंट होगा वही हमारी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड
बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो एसेट्स अपन को दे रखी है 6 लाख रुपए, लाइबिलिटी दे रखी है हमको 1,30,000 रुपए। ओके 1,30,000 घटाएंगे 6 लाख से 1,30,000 तो बचेगा 4,80,000 रुपए। ये क्या आया? ये कैपिटल एम्प्लॉयड आया। क्या आया? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अपन जो है वो ख्याति की गणना करेंगे, तो ख्याति की गणना का पास नहीं करते थे अपन, गुडविल बराबर। अब देखिए ख्याति की गणना का ये सूत्र रहेगा, औसत आते तो निकल में एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटा एनआर, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल रेवेन्यू को हमारा 1,000 रुपए गुणा 100 बटा 10, एनआर कितना है 10 में 10, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है 4,80,000। ठीक है बच्चों, जीरो से जीरो पे आप 18,000 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7,80,000। कितना आ जाएगा? 7,80,000। माइनस करेंगे उसमें से 4,80,000 रुपये, तो ये हमारी ख्याति का मूल्य हो जाएगा रुपये 3,00,000। 3,00,000 रुपये बिजनेस की जा रही ख्याति, बिजनेस की आ गई ख्याति। ठीक है बच्चों, अब अपन जो है वो ये तो था औसत लाभ की आधार पर औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। अब दूसरा लेते हैं अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन को सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया 78,000 रुपये, इसमें से माइनस करना अपन को 4,80,000 का 10%, 4,80,000 × 10%। ठीक है बच्चों, अब देखो 4,80,000 का 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 48,000 रुपये, और 78,000 में से जब ये 48,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रुपये 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 30,000 रुपये। ये क्या लिखना? सुपर प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे गुडविल, तो गुडविल बराबर फॉर्मूला वही सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट रुपये 30,000 गुणा 100 बटा 10, तो जीरो से हुए जीरो पे 3,000 को 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3,00,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ख्याति का मूल्यांकन। तो चरम की ख्याति कितनी आ गई 3,00,000 रुपये। तो दोनों वीडियो से अपन ने ख्याति का मूल्यांकन सीखा, औसत लाभ के द्वारा भी और अधिलाभ के द्वारा भी। ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूंजीकरण विधि का ही पूछा जाता है मूल्यांकन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले जो है ख्याति के मूल्यांकन की विधि, तीसरी विधि है वो है छिपी हुई ख्याति का मूल्यांकन, गुप्त ख्याति का मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, अब बाकी बची जो मूल्यांकन की विधियां हैं वो बहुत छोटी छोटी है, बहुत सिंपल सिंपल भी है। ठीक है, और उनके अंदर ज्यादा और औसत लाभ अधिलाभ जो है इंटरनल और कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो देखिए गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति का मूल्यांकन, हाइडन मेथड। इसमें क्या होगा जो है इस मेथड के अंदर के अपन को फर्म के साझेदारों की पूंजी दे रखी होगी और नए साझेदार का लाभ में हिस्सा दिया होगा, साझेदारों की पूंजी और नए साझेदार का लाभ में हिस्सा और उसकी पूंजी दे रखी होगी। तो सबसे पहले नए साझेदार के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी, नए साझेदार के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी और उस कुल पूंजी में से जो वास्तव में अब इनकी पूंजी लगी हुई है उन सबको घटाएंगे तो जो अंतर होगा वो ही हमारी ख्याति होगी। ठीक है फिर देखिए कैसे, तो इसमें आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा गुडविल बराबर टोटल एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, फर्म की कुल पूंजी टोटल कैपिटल के लिए इसको कह सकते हैं, टोटल कैपिटल
माइनस जो पूंजी फर्म में लगी हुई है साक्षात्कार की समाई की पूंजी क्या होती है पुराने साक्षात्कारों की एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल देखिए नए वाले के आधार पर कुल निकालेंगे उस कुल में से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड इसलिए लिखा कि कभी कभी क्या है क्वेश्चन के अंदर कुछ समायोजन दे रखे होंगे जैसे अवितरित लाभ का या किसी संचय का तो वो चीजें भी नए पुराने साझेदारों की पूंजी में उनके हिस्से को जोड़ करके जो है वो समायोजित पूंजी निकालेंगे। अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ध्यान सबसे पहले जैसे मान लेते हैं एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि भाई ए और बी पार्टनर ए और बी दो पार्टनर ए की पूंजी है आपके 60,000 रुपए कैपिटल और बी की पूंजी जो है वो है आपके रुपए 50,000 कितनी है 50,000। अब इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया सी को क्या किया नया पार्टनर बनाया सी जो है वो पूंजी के रूप में लेकर आएगा 50,000 रुपए कितने रुपए लेकर आएगा 50,000 रुपए लेकर आएगा और सी का जो हिस्सा होगा वो होगा 1/4 कितना होगा 1/4 ठीक है। देखिए ए और बी की पूंजी दे रखिए 60,000 50,000 सी की पूंजी 50,000 और उसका लाभ हिस्सा कितना होगा 1/4। तो अब यहाँ पे नए साझेदार के आधार पर पहले फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे और नए साझेदार के आधार पर फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालेंगे तो फर्म की कुल पूंजी टोटल कैपिटल जो नए साझेदार के आधार पर गणना करनी है तो आपको कुछ नहीं बल्कि उसकी पूंजी है ना उसका गुणा उसके उल्टे अनुपात से कर दो यानी उसका रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल का मतलब परिमेय कर दो 1/4 का उल्टा कर दो तो उल्टा करेंगे तो यहाँ आएगा 4/1। अब एक निकलने से कोई फायदा नहीं बढ़ेंगे तो सी का गुणा करेंगे 50,000 4 तो यह रहेगा 2,00,000 रुपये कितना रहेगा 2,00,000 तो मतलब इस आधार पर घर की कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए 2,00,000 रुपये होनी चाहिए। अब देखते हैं गुडविल तो देखिए गुडविल बराबर फर्म की कुल पूंजी टोटल कैपिटल कितनी है 2,00,000 रुपये ये 2,00,000। अब इसमें से आपको माइनस करनी है इन सब की पूंजी। अब ये एडजस्टेड है क्योंकि मैंने जैसे जनरल एग्जाम्पल लिया अगर कोई समायोजन नहीं है तो ये एडजस्टेड कैपिटल है तो यहाँ पर इन सब को जोड़ करके घटा देंगे 60,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 टोटल हो गया 1,60,000 तो 2,00,000 में से माइनस करेंगे 1,60,000 तो ये आ जाएगा रुपये 40,000 फर्म की पूंजी। ठीक है बच्चों देखिए नए साझेदार के आधार पर पहले क्या निकाली कुल पूंजी और उसमें से सब तरह की पूंजी क्या करती घटा दी जिसमें नया साझेदार की पूंजी भी घटेगी। ठीक है तो ये हो जाएगी हमारी ख्याति इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें समायोजन भी आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स ये जैसा हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई समझना पहले इसको कि दो पार्टनर हैं ए और बी अभी दो पार्टनर हैं ए और बी इनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा 3:2 इनकी पूंजी दे रखी है 30,000 और 20,000। अब इन्होंने सी को नया प्रवेश दिया ये तो इनकी जनरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और इनकी पूंजी। अब सी को साझेदार बनाया 1/5 स्थान लेगा कुल पूंजी कितनी लाएगा वो 25,000 रुपये लेकर आएगा। सी जो है फर्म में अपने 1/5 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लाएगा 25,000। अब एक चीज और देने के लिए रीजन 25,000 बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रश्न में पूंजी और नए साझेदार के हिस्से के अलावा अनुपात के अलावा यदि प्रश्न के अंदर कोई संचय अवितरित लाभ या हानियां दे रखी है अवितरित लाभ या हानियां
तो उनका समायोजन पुराने साझेदारों के अंदर करेंगे, पुराने साझेदारों की पूंजी में करेंगे। लाभ है जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ पे रिजर्व है, तो रिजर्व क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है तभी रिजर्व करेंगे पैसा को। तो यहाँ पे रिजर्व है वो अवितरित लाभ है, इसे उनकी पूंजी के अंदर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले जो निकालेंगे वो ए और बी की समायोजित पूंजी की गणना करेंगे। ए और बी की समायोजित पूंजी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पूंजी दे रही है, पूंजी दी गई। अब पूंजी कितनी कितनी दी गई देखो, जैसे ये ए और बी ऐसे करते हैं, ए की ए की ले रही है 30,000, बी की ले रही है 20,000। अब इसे समय से किसका करना है? रिजर्व का। तो ये हो जाएगा एन रिजर्व, इसको थोड़ा इंग्लिश नहीं मिलेगा आपको भी आसानी रहेगी, कैपिटल रुपीज में 30,000 रिजर्व। अब देखिए 25,000 रुपए है, इस 25,000 को 3:2 में जब बांटेंगे तो इसको मिलेंगे 15,000 और इसको मिलेंगे 10,000। अब 15 और 30 हो गए टोटल 45,000 और ये हो गए आपके 30,000। ये इनकी अदायगी एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि जो भी समायोजन अगर कोई दिया हुआ है प्रश्न के अंदर अवितरित लाभ बतवाने का, वो करने के बाद की पूंजी लेनी अपन को, ये यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपन जो है वो सबसे पहले किसकी गणना करेंगे? फर्म की कुल पूंजी की, फर्म की कुल पूंजी। तो गणना करते हैं फर्म की कुल पूंजी की, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बराबर किसके आधार पर? नए वाले का। तो नए वाले की पूंजी देखिए 25,000, 25,000 का अपना उसके उल्टे अनुपात से 5/1 से बटे 1 कोई मतलब नहीं, तो यह आ जाएगा 7,000 रुपए, 1,25,000 रुपए। ठीक है भाई, अब इसमें से आपको माइनस करनी है तो गुडविल बराबर हो जाएगा, गुडविल बराबर टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 1,25,000 रुपए। टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 1,25,000। ये हो जाएगा 1,25,000 माइनस, अब इन तीनों की पूंजी, ए की पूंजी कितनी 45,000 प्लस बी की पूंजी कितनी 30,000 प्लस सी की पूंजी कितनी 25,000, तो इन सबको जोड़ेंगे 45, 25, 75 और 2,500 यानी 1,00,000 रुपए। तो 1,25,000 से 1,00,000 जाएगा तो 1,00,000 रुपए 25,000, ये आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। 25,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अनुमानित या गुप्त ख्याति। अगला चलते हैं परचेज कंसीडरेशन मेथड क्रय प्रतिफल विधि। हालांकि मैंने जब ख्याति के प्रकार बताए थे उसमें आपको ये बता दिया था क्रय प्रतिफल विधि बहुत ईजी है। देखिए क्रय प्रतिफल विधि में गुडविल बराबर होगा, गुडविल बराबर पीसी माइनस नेट एसेट्स। पीसी का मतलब परचेज कंसीडरेशन, क्रय प्रतिफल पीसी माइनस नेट एसेट्स। अब देखिए इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के तौर पर ये कब उत्पन्न होती है? जब किसी व्यापार को खरीदा जाता है, जब किसी चलती दुकान को व्यापार को क्या किया जाता है? क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, तब इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न होती है और क्रय प्रतिफल विधि से ख्याति की गणना होती है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई अपन को किसी फर्म का जो है वो परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है, वो क्या 4,00,000, कितना दिया हुआ है 4,00,000 रुपये में परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है। फिर उसकी फर्म की जो है वो ऐसे दे रही है अपन को प्रश्न के अंदर रुपये 5,00,000, कितनी दे रही है 5,00,000, और लाइबिलिटी दे रही है फर्म की अपन को प्रश्न के अंदर
डायबिटीज वो दे रखी है रुपीज 1,40,000। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन अपन को जो है प्रश्न के अंदर दे रखी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा या फिर एसेट्स के नाम दे देगा, तो हमें पहचान करनी है ये एसेट्स होती है और ये लाइबिलिटीज होती है। तो अब देखिए फॉर्मूले को, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसीडरेशन तो दिया हुआ है, नेट एसेट्स का मतलब होता है कि फर्म की टोटल एसेट्स से लाइबिलिटीज को घटाना। तो यहाँ पे एसेट्स दे रखिए 5,00,000, लाइबिलिटीज है 1,00,000। तो पहले अगर नेट एसेट्स निकालेंगे, नेट एसेट्स बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स कितनी होगी, रुपीज 5,00,000 एंड माइनस लाइबिलिटीज होगी 1,40,000। घटाएंगे तो ये आएगा रुपीज 3,60,000। 3,60,000 रुपये नेट एसेट्स आ गई। अब हम रुपीज की कैलकुलेशन करेंगे, तो रुपीज बराबर पीसी माइनस नेट एसेट्स। पीसी कितना है 4,00,000 एंड माइनस नेट एसेट्स 3,60,000। 4,00,000 में से 3,60,000 निकालेंगे तो यह आएगा 40,000 रुपये। ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्म की ख्याति। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सूत्र का क्रय प्रतिफल विधि द्वारा क्रय प्रतिफल मेथड। ठीक है, बहुत ईजी है, बस ये ध्यान रखना नेट एसेट्स का मतलब क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो प्रश्न के अंदर अगर नाम से दे रखे हैं कि जैसे रोकड़ का बैलेंस दिया हुआ है, देनदारों का बैलेंस दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिए हुए हैं, या भूमि भवन मसीन कुछ भी दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज में लेनदार वगैरह बिल्स पेबल है ऐसे कुछ दिए हुए हैं, तो वो लाइबिलिटीज होगी, वो घटाने के बाद हम नेट एसेट्स लेंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है वार्षिक की विधि। बहुत ईजी है वार्षिक की विधि। इस विधि के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है कि गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, एसपी का मतलब होगा सुपर प्रॉफिट गुना एन्यूटी वैल्यू। एन्यूटी वैल्यू तो अपन को दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो सुपर प्रॉफिट की और एक एन्यूटी वैल्यू की। एन्यूटी वैल्यू क्या होगी कि 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य दिया हुआ होगा। प्रश्न के अंदर जो है वो 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य दे रखा होगा वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर जो भी इसका मूल्य दिया होगा प्रश्न के अंदर उसका सुपर प्रॉफिट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फर्म के अपने को जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं रुपीज मान लीजिए 1,00,000, फिर उसके बाद में फर्म की कैपिटल दे रखी है प्रश्न के अंदर अपने को कैपिटल रुपीज 7,00,000, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, और वार्षिकी मूल्य जो दिया हुआ है एन्यूटी वैल्यू दे रखी है प्रश्न के अंदर, एन्यूटी वैल्यू वो 3.1245 ऐसे कुछ भी मान लीजिए 3.1243 डिजिट तक ये अपन को दिया हुआ है। अब देखिए वार्षिकी से अपन ख्याति गणना कैसे करेंगे, तो पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपन को दिया हुआ है 1,00,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7,00,000 का 10%, 7,00,000 गुणा 10% तो 70,000 रुपये। 1,00,000 में से 70,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30,000 रुपये। ये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, और अब गुडविल बराबर हो जाएगा आपका, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा एबिट वैल्यू, तो सुपर प्रॉफिट 30,000 और एबिट वैल्यू 3,10,124। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, ये 0 को छोड़ दो, 3 से गुणा करते हैं, 3 × 4 = 2 ऐसे रखिए, 3 × 6 = 7, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और अब 4 × 2 = 3, 4 और 1 को 3 अंकों के बाद पॉइंट 1 को 3 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट करेगा
53,720 रुपए ये गुड़ का मूल्य है, 53,720 रुपए ये हमारा क्या जाएगा, गुडविल का मूल्य। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने जो है हमारी ख्याति के मूल्यांकन को पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ख्याति का लेखांकन पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग के कौन कौन सी एंट्रीज की जाएगी नए साझेदार के प्रवेश पर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको जरूर समझ में आया, और इससे रिलेटेड जो किताब के प्रश्न हैं पीछे ख्याति का मूल्यांकन से रिलेटेड, आप उसको करें, रेशियो से रिलेटेड भी करें, लघु उत्तरात्मक अति लघु उत्तरात्मक के अंदर जो दिए हुए हैं, और फिर उसका लेखांकन आएगा उसके भी मेरे समझाने के बाद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।